अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोधा के कराना हिल के पहाड़ी सिलसिला में। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे जंगल में ट्रेन गायब होगी और कैसे ये जंगल 15 बोगियों की ट्रेन को निगल गया। आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प है, तो आइए हमारे साथ। जी दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ना इसका सराउंडिंग का व्यू दिखाता हूँ कि ये आप देखें सारा जंगल है और बिल्कुल वीरान और बियाबान जंगल है। और ये सामने जो है ये क्वारी पहाड़ी है जो कभी रेलवे के अंडर होती थी, अब ये 50% रेलवे के अंडर है और 50% जो है महकमा अनहार के अंडर है। और ये सारा आप जंगल का व्यू देखें और ये आप देखें कि ट्रेन का रुख जंगल की तरफ है और हम सबसे आखिरी बोगी पे खड़े होकर आपको सराउंडिंग का व्यू दिखा रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं, आपको ट्रेन दिखाते हैं और दिखाते हैं कैसे गायब हो रही है। 19वीं सदी के आगाज़ में जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने एक रेलवे का निज़ाम मुतारफ़ करवाया, तो पूरे मुल्क में उन्होंने रेलवे की पटरियाँ बिछाईं। तो उसके लिए जो है उस पटरियों पर पत्थर जो कैरी करके यहाँ से ले जाते थे और उसको मजबूत बनाते थे पटरियों को, वो इस मार्केट से जाता था। ये काफ़ी एक लंबी चौड़ी ट्रेन थी जिसकी अब तकरीबन 15 के करीब बोगियाँ बची हैं। इसके आगे कोयले का इंजन था, वो गायब हो गया। अब वो कैसे हुआ वो भी आपको बताएंगे। और आप ये देखें, ये इसके व्हील की बनावट देखें, ये अंग्रेज़ दौर का ये व्हील बना हुआ है और इस तरह के व्हील आजकल की वो ट्रेन्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये अगला व्हील देखें, ये भी सेम इसी तरह का है। और ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है जिसको दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, सदियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, काफ़ी अरसे से खड़ी है। इसके व्हील देखें, मिट्टी में बिल्कुल धंस चुके हैं, ये सारे आधे से ज़्यादा मिट्टी में धंस चुके हैं। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक तो बेशुमार जानवर हैं जिनकी एक बिल तो आप यहाँ पे मुलाहिज़ा करें, और दूसरी बात आप यहाँ पे ये नोट करें कि यहाँ पे कोई आपको ज़ीरू नज़र नहीं आएगा, सारे जानवर हैं, जंगली जानवर, गीदड़, सुअर, आवारा कुत्ते यहाँ पे वो उनकी बहुतात है। ये बोगी देखें आप, बिल्कुल गल सड़ चुकी है यहाँ पे खड़े खड़े। और आगे से थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे नीचे कोई रेलवे की पटड़ी नहीं है, बिल्कुल रेलवे की पटड़ी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, ये ज़मीन के ऊपर खड़ी है। और यहाँ से पटड़ी जो है वो भी गायब हो चुकी है। और ये सामने आप देखें, ये आपको पत्थर का एक रैंप नज़र आ रहा होगा। ये रैंप जब ये बोगियाँ जहाँ पे आती थी मालगाड़ियाँ पत्थर लेने के लिए, तो यहाँ से टोकरियों के ज़रिए इसको लोड किया जाता था। ये 1905 या 6 की मैं बात कर रहा हूँ, टोकरियों के ज़रिए इनको लोड किया जाता था। फिर एक लोको इंजन जिसको कोयले वाला इंजन भी कहा जाता है, उसके ज़रिए थोड़ा सा बोगी को आगे किया जाता था। फिर नेक्स्ट बोगी जो है वो मज़दूरों के ज़रिए इस रैंप से लोड की जाती थी। अब तो बड़ा जदीद सिस्टम आ गया कि शावल जिसको हम लोडर भी कहते हैं वो आ गए हैं, उससे लोडिंग होती है। ये देखें अब इससे अगली बोगी, ये इसमें जो बारीक पत्थर पड़ा ना जी, ये आप देखें इसको कैरेज किया जाता था। इस ये जो पत्थर आप देख रहे हैं आप, ये इसको कैरेज किया जाता था। इस पत्थर को यहाँ से ले जाके इसको 1.25 से 1.5 इंच का इसका साइज़ है, इसको मकामी लैंग्वेज में बजर साहब भी कहते हैं, इसको कैरेज करके ले जाते थे। और यहाँ तक ये तकरीबन आप ये 8वीं बोगी है, ये बिल्कुल टेढ़ी हुई पड़ी है, गिरी पड़ी है। दरमियान वाली बोगियाँ गायब हो चुकी हैं जी, इधर है ही नहीं। ये देखें आप, बोगियाँ गायब हो गई हैं। आगे वो देखें सरकंडों में आपको एक बोगी नज़र आ रही होगी, आगे चलते हैं। और ये इस साइड पे सामने अगर देखें ना, तो सामने ये सारा जंगल उग चुका है। और ये कितना वीरान और अजीबोगरीब सा जंगल है जिसमें वो सारे कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर सारे की तरह मौजूद हैं। पीछे हमने 8 बोगियाँ देख ली हैं, अब ये 9वीं बोगी आप देखें। अब ये आप नोट करें कि ये कैसे इसमें इस सारी गल सड़ के इसमें सारा जंगल उग चुका है और ये इसमें गायब हो रही है। देखें आहिस्ता आहिस्ता बोगी गायब हो रही है, कैसा ये एक अजीब सा नज़ारा है, यकीनन आपने ऐसा सीन पहले नहीं देखा होगा। और ये देखें इसमें सारे सरकंडे उग चुके हैं, सारा जंगल उग चुका है। ये सेकंड रैंप है जहाँ से टोकरियों के ज़रिए ये मज़दूर इसको लोड किया करते थे।
हम इसकी दूसरी तरफ नहीं जा सकते क्योंकि दूसरी तरफ इसके सारा वो जंगल है और कोई रास्ता नहीं है। वैसे कोशिश करते हैं जाने की, अगर हम इसमें कामयाब होते हैं तो आपको ज़रूर उधर से सीन दिखाते हैं। ये पहाड़ी का व्यू दोस्तों आप देखें, और आपको ये स्मोक सी नज़र आ रही होगी। एक्चुअली यहाँ पे थोड़े से किलोमीटर्स के फासले पे काफ़ी बजरी के प्लांट लगे हैं, तो उनकी वो गिर्द उड़ती है, तो ये हर वक्त यहाँ पे ऐसा माहौल होता है। और ये आप जंगल देखें, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक जंगल है और यहाँ पे जंगली जानवर काफ़ी हैं, खासकर सांप बिच्छू नेवले वगैरह। और इसके अलावा आप ये देखें, जिस पर हम खड़े हैं ये रैंप है, और यहाँ से मज़दूर टोकरियों के ज़रिए इसमें गाड़ियाँ सॉरी बोगियों को लोड करते थे। ये देखिए इसमें सरकंडे उग चुके हैं सारे, और ये बोगी देख लें आप बिल्कुल इसमें गायब हो चुकी है। और वो पीछे तक जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वीडियो का वो पॉइंट आप देखें, और ये आगे देखें ट्रेन जंगल में जा रही है, ये बिल्कुल आगे की तरफ जा रही है। अब आगे मज़ीद चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसे कैसे हम आगे जाएँगे, ये ट्रेन इस जंगल में गायब होती जाएगी। ये देखें दोस्तों जी, ये नीचे सारा इस बोगी के नीचे सारा जंगल उग चुका है। आगे जैसे जैसे जाएंगे ये सारा इस तरह जंगल मज़ीद बढ़ता जाएगा। इस बोगी का सारा फर्श वो गल सड़ चुका है, इसकी बॉडी तकरीबन गल सड़ चुकी है, और ये इसमें सरकंडों का जंगल उग चुका है। आए आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं ट्रेन किधर जा रही है, और हम ये भी आपको बताएँगे कि इस ट्रेन की वो कुल कितनी बोगियाँ थी। उस दौर में इसको छकड़े भी कहा जाता था, जो पुराने लोग हैं वो यकीनन मेरी बात की तायद करेंगे। अब इसमें नीचे कोई वो पटड़ी नहीं है, और आगे चलते हैं आपको आगे भी दिखाते हैं। ये सारा वीराना ही वीराना है, और यहाँ पे तो हमने आने का सच्ची बात है बड़ा रिस्क लिया है। यहाँ पे जो है ना वो दिन दहाड़े लोगों को लूट लेते हैं, चोर डाकू यहाँ पे काफ़ी हैं, तो वीडियो की खातिर हमने ये रिस्क भी लिया है। तो और दूसरा यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खदशा काफ़ी रहता है कि वही यहाँ पे ना कोई किसी किस्म का हमला कर दें, कहीं से कोई सांप ना निकल आए। ये अगली बोगी देखें बिल्कुल गल गई, और सामने अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये देखें सारा जंगल उग चुका है। ये अगली बोगियाँ बिल्कुल इसमें वो गुम हो चुकी हैं सारे जंगल में। आज से तकरीबन 100 या 120 साल कबल जो भी मटेरियल इस्तेमाल होता था बड़ा पायदार और मियारी इस्तेमाल होता था, लोहा बड़ा अच्छा होता था, और जो भी चीज़ बनाई जाती थी वो बड़ी मज़बूत और लाजवाब बनाई जाती थी। उस दौर में इस ट्रेन को जब बनाया गया, इस मालगाड़ी को, तो इसमें मोस्टली तकरीबन 99% आप कह सकते हैं कि रिबट का काम हुआ है, और तकरीबन 1% कह लें कि वो काबिल इस्तेमाल हुए हैं। और अगर इसमें सारे काबिल इस्तेमाल होते तो ये चोरी हो सकता था मटेरियल इसका, इसको खोल खाल के लोगों ने ले जाना था जिस तरह के चोरों की आदत है। बाकी ये देखें अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, तो इसमें सारा वो रिबट का इस्तेमाल हुआ है, तो ये बड़ा ही एक मज़बूत पायदार और मियारी काम है। आज भी आप देखें कि ब्रिटिश एरा में जितने भी वो तमीर हुए हैं ब्रिजेस जो दरियाओं पे बनाए गए हैं, उसमें यही आपको काम देखने को मिलेगा, ये रिबट का काम जो है वो आपको उसमें नज़र आएगा। तो मज़ीद आगे हमारी वीडियो जारी है, आपको आगे दिखाते हैं ये ट्रेन कहाँ जा रही है। आए जी आगे अब चलते हैं इसके फ्रंट की जानब, और ये सारी एक बैलेंस में इस वजह से नहीं खड़ी क्योंकि इसके नीचे पटड़ी नहीं, अगर पटड़ी होती तो ये बैलेंस में होनी थी, और इसमें जो फर्श इसके जो है वो सारे डैमेज हो गए हैं, उस वजह से नीचे से जो सरकंडे हैं वो निकल के ये सारे इसमें जो है वो नज़र आ रहे होंगे आपको। दूर से अगर देखें तो इस जंगल में आपको ये ट्रेन बिल्कुल नज़र ही नहीं आती, और ये सिर्फ यहाँ नज़र नहीं आती बल्कि गवर्नमेंट के कागज़ों में भी ये आपको नज़र नहीं आएगी। और ये देखें यहाँ पर भी पटड़ी नहीं है, आपको कहीं भी पूरी वीडियो में आपको कहीं भी पटड़ी देखने को नहीं मिलेगी। देखें ये इसके नीचे अगर मेरा कैमरा में दिखा सके, तो ये इसके नीचे बिल्कुल पटड़ी नहीं है, ये ज़मीन के ऊपर खड़ी है। कैसी ये देखें इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे पटड़ी का नाम निशान नहीं है, इस वजह से ये अनबैलेंस भी खड़ी है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया।
तकरीबन 117 या 118 साल पुरानी ये हमने मालगाड़ी आपको दिखाई। असल में ये बहुत लंबी मालगाड़ी थी, इसकी तकरीबन 250 बोगियाँ थी जो अब गायब हो चुकी हैं, जिनमें से अब तकरीबन क्या 15 यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी आहिस्ता आहिस्ता जंगल उनको गल सड़ के खा रहा है, वो एक दिन सारी मिट्टी बन जाएगी क्योंकि इसकी टेक केयर नहीं हो रही। और यहाँ पे एक इंजन था जो कोयले से चलता था, लोको इंजन उसको कहते हैं, वो भी अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, खुदा जाने वो किधर गया। पटरी इसकी बिल्कुल गायब है, आपको दिखा दी। और अकामे बाला को तो इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि हमारे ये कितने कीमती असासे ये जंगल में रुल रल के वीरान हो रहे हैं, और इसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। इसका स्क्रैप ही बेच दिया जाए तो यहाँ कोई स्कूल बन सकता है, कोई हॉस्पिटल बन सकता है, कोई किसी काम आ सकता है। बहरहाल ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आपने हमें कमेंट्स में बताना कि हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।